हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन है जो आपको खुद सोल्व करने हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर सेकंड आपका कितना तैयार है और उसमें कितनी अभी कमी है, कितनी और तैयारी की आपको इसमें जरूरत है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक टेस्ट की फॉर्म में है चैप्टर सेकंड से, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इफ पी एक्स पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इसकी कितनी जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसकी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और जिस टाइप का पॉलिनोमियल हो तो उसकी कितनी जीरो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, उस बेस पे आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x² + 7x + 8, इसकी जीरोस फाइंड करनी है आपको एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसकी जीरोस फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की और फिर जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। यानी कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बारे में बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 6। तो आपको सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करनी है पॉलिनोमियल की, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल की है ax² + bx + c, तो सम ऑफ जीरोस ये होता है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a। तो इसमें फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, ठीक इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - x - 2। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए भी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो इसमें a और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 3 and 2 आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। 3 और 2 जीरो है पॉलिनोमियल की ऑफ अ क्वाड्रेटिक, साथ में लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 3 और 2 जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, तो 3 और 2 अगर उसकी जीरो है तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है x² - sum of zeros into x + product of zeros। तो ये हमारे पास इसको शॉर्ट में x² - sx + p। s स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरो, p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों नोट करने वाली बात है, आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो जस्ट आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। यानी कि एस और पी की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पे जीरोस गिवन है, तो अगर ये जीरोस है तो पहले तो इनका सम करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना पड़ेगा और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -9 and 14। तो अब की बार क्या कर रखा है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सम मतलब s गिवन है, प्रोडक्ट मतलब p गिवन है, तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ये ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास, यहाँ पे तो एस और पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे डायरेक्ट एस और पी की ही वैल्यू दी हुई है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + x² + 2x एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हमें
एक पॉलीनोमियल को इसको अगर हम पी एक्स मान लें और इसको जी एक्स मान लें, तो पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो कोशेंट जिसको हम क्यू एक्स लिखते हैं और रिमाइंडर आर एक्स लिखते हैं, तो कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स इसमें अप्लाई करके डिवीजन कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x रेस टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर इट्स जीरो। तो रूट 2 और माइनस रूट 2 इट्स के जीरो है, तो इसके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं कि अगर रूट 2 इसका जीरो है तो यानी कि x माइनस रूट 2 इसका फैक्टर है, और माइनस रूट 2 इसकी जीरो है यानी कि x प्लस रूट 2 इसका एक फैक्टर है, और दोनों की मल्टीप्लाई भी इसका एक फैक्टर है। दोनों की मल्टीप्लाई देखो a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस रूट 2 इट्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो रिमाइंडर जब जीरो आएगा तो जो कोशेंट आएगा आपका वो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरोस हम जैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहां पे फाइंड की होगी आपने, वैसे जीरोस फाइंड कर देंगे। तो दो जीरो तो यहां से मिल जाएंगे हमें, और जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा दो जीरोस वहां से आपको मिल जाएंगे। तो ये इसके लिए हिंट है। तो यहां पे ये 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को ट्राई करना है, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर 2 आपका कितना तैयार है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन सही हैं या फिर उनमें कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहां पे हमने आंसर की दी हुई है, तो आप इसके साथ अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर्स की है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है 1, क्योंकि ये लीनियर पॉलीनोमियल है तो इसकी एक ही जीरो होगी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है -2 और -5। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 3/2। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है -2/3। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिक्स क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। सेवन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्वेश्चन 3x माइनस 5 और रिमाइंडर 9x प्लस 10। और एट्थ क्वेश्चन का जो आंसर देखो दो जीरो तो यही थी रूट 2 और माइनस रूट 2, और जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बचा था कोशेंट बचा था उससे हमें दो जीरोस और मिली 1/2 और 1। तो ये हमारी आंसर की है। तो प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चन को सोल्व करके इस आंसर की के साथ मैच करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके 8 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जो मैथ्स है आपका उतना ही स्ट्रांग होता चलेगा, और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होते चलेंगे, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फिर ये सब्जेक्ट लगने लगेगा, बहुत मजा आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आएगा। थैंक यू वेरी मच।